तो हाय गाइस, दिस इज आयुष। वेलकम बैक टू माय चैनल प्ले विद आयुष। तो आज के इस वीडियो में मैं वापस से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया सर्वर, जिस पे आप स्काई ब्लॉक खेल सकते हो, पीवीपी खेल सकते हो और आप यहाँ पर पार्कोर भी खेल सकते हो। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सर्वर है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्वर होने वाला है अभी तक का। तो गाइस, मैं इस सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऐड करने का वीडियो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका वोट लिंक जो है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, तो वहाँ से इसे वोट कर लेना। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो पहले तो मैं फर्स्ट पर्सन मोड में आ जाता हूँ। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं ऐसी वीडियो और नहीं लाने वाला। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है गाइज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मोड में आ चुका हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ एंडर चेस्ट है जो कि आपको खाली मिल जाएंगे और आपको पहले से कोई भी सामान यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर देखो इस सर्वर का ओनर और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो, उस साइड हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कुछ स्काई ब्लॉक शॉप और बहुत कुछ। तो यहाँ पर देखो, स्काई ब्लॉक प्लेयर किट मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं प्लेयर किट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ रूकी किट अनलॉक है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग को रूकी किट फ्री में अभी मिल चुका है, ये हम लोग का स्टार्टर पैक है। और यहाँ पर मिनियंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके यहाँ पर मिनियंस खरीद सकते हो और यहाँ पर जनरेटर भी आप लोग खरीद सकते हो। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो आपको ऑक्शन हाउस देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर बार्गेनिंग कर कुछ भी ले सकते हो, आप अपना सामान भी सेल कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कुछ भी बाई कर सकते हो। अब मैं दिखा देता हूँ इधर आपको क्या मिलता है। यहाँ पर मिलता है आपको स्काई ब्लॉक वार्प्स। तो इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर माइनिंग के एरिया में आ जाओगे और यहाँ वापस से आपको कुछ एंडर चेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड हो चुके हैं जो कि उस बंदे ने मुझे बहुत सारा दिया है। और मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये एक टाइप का माइनिंग एरिया है। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड माइनिंग करके अपने एक्सपी बढ़ा सकते हो। तो और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको और क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा हाउस भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप क्राफ्टिंग ये सब कर सकते हो, आप अपने एमरल्स को ब्लॉक में बदल सकते हो और यहाँ चेस्ट में अपना सामान भी रख सकते हो। तो ये देखो, ये सारे वर्किंग है। और यहाँ पर देखो, इस बंदे ने मुझे और भी एमरल्ड के ब्लॉक दिए, थैंक्स भाई। तो यहाँ पर मैं और आपको दिखा देता हूँ। तो आपको स्पॉन में जाने के लिए सिंपली यहाँ पर टाइप करना होगा /spawn और मैं यहाँ पर स्पॉन क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखो, मैं स्पॉन में आ चुका हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है वहाँ पर। तो मैंने उधर पूरा नहीं दिखाया था, आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो मैं शुरू से दिखा तो लास्ट में नहीं जाऊँगा अभी। तो ये हम लोग ने दिखा दिया था स्काई ब्लॉक वॉप्स, यहाँ पर है स्काई ब्लॉक आइलैंड। तो आप अपने स्काई ब्लॉक पर जा सकते हो और यहाँ पर आपको मिल जाता है कस्टम इंचेंटमेंट्स। तो आप अपने टूल को इंचेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला वाला फ्री है $1 का, तो मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ और ये देखो मेरा टूल जो है इंचेंट हो चुका है। यहाँ पर रेंडरिंग का प्रॉब्लम ले रहा है गाइस। तो यहाँ पर देखो, बैंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पर मनी डिपॉजिट और ट्रांसफ़र ये सब कर सकते हो। तो मेरे पास 999 मनी, आप लोग देख ही लो। और ये है डेली रिवॉर्ड्स। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो लिख रहा है 24 आवर्स के बाद आपको अपना डेली रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो अब मैं आपको उस साइड चलकर दिखा देता हूँ जल्दी से क्या है। तो हर बार की तरह यहाँ पर आप लोग देख लो, रेंडर का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी रेंडर की प्रॉब्लम होगी आपको, उसके बाद सब रेंडर हो जाए। तो यहाँ पर पार्कोर मिल जाता है जो कि अभी कमिंग सून है। यहाँ पर आप फार्म्स देख लो, माइनिंग स्टेशन है जो कि अभी लेकर गया था मैं। और यहाँ पर आपको पीवीपी मिल जाता है, तो फार्म में आप जाके फार्मिंग कर सकते हो और बहुत सारे एक्सपी भी कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये है ओनर्स सर्वर का, तो आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल जाता और मिलता है आपको उस साइड। तो मैं आपको चलकर दिखा देता हूँ उस साइड भी क्या है। और इसकी बहुत ही खास बात यह है कि आपको फ्लाई इसके शुरू में मिल जाता है बिना वोट किए। और यहाँ पर कुछ चेस्ट रखे हुए, तो यहाँ देखो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर नेडराइट शॉप मिल जाता है गाइस, जिसमें आप नेडराइट के टूल, आर्मर और बहुत कुछ ले सकते हो। तो यहाँ देखो नेडराइट हेलमेट ये सब है। और यहाँ पर स्पॉनर्स भी मिल जाता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। और यहाँ पर सारे मॉब के स्पॉनर आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर एक और ऑक्शन हाउस देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हो, अपने आइटम सेल या बाई कर सकते हो। तो बाई करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इधर कुछ रेड वाले पे क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाए और ग्रीन वाले पे आप बाई कर लोगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने स्काई ब्लॉक पे कैसे जाना है। तो मैं जल्दी से उधर चल लेता हूँ
और यहाँ पर मैं ऐसे चल क्यों रहा हूँ, उड़ लेता हूँ सबसे अच्छा। तो यहाँ पर बिना वोट किए ही आपको उड़ने का एबिलिटी जो है वो आपको मिल जाता है। तो वैसे आप वोट करोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं अपने स्काई ब्लॉक पर आ चुका हूँ, वही रेंडर का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर रेंडर होने देते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको एक चेस्ट मिलता है, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको मिल जाता है कुछ आर्मर ये सब और दो आइस ब्लॉक। यहाँ पर आपको लावा बकेट नहीं मिलता है गाइस, क्योंकि आपको स्टोन जनरेटर पहले से ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे सीड्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं कोल जनरेटर आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये मैंने प्लेस किया कोल जनरेटर, और यहाँ पर एक स्टोन मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। यहाँ देखो कोल जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने अपना माइनर इधर लगाया और मैं इस पर क्लिक करके ये जो चेस्ट है इसको मैं इससे लिंक कर देता हूँ। तो ये देखो लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कोल जो है कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कलेक्ट होता है। तो यहाँ पर कोल जनरेट होता है, ये तोड़ देता है, हम लोग को पता भी नहीं लगने देता। तो यहाँ पर मेरे पास 4 कोल है, इसको मैं सेल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चैट में जाना है आपको, और यहाँ पर सिंपली लिख देना होगा सेल हैंड। तो आपके हाथ में जो भी आइटम होगा वो सेल हो जाएगा। तो देखो $120 हम लोग को मिले $30 ईच के। तो यहाँ पर मैं अब आपको स्पॉन में जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्लैश स्पॉन लिखोगे तो आप स्पॉन में पहुँच जाओगे। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और ये देखो मैं स्पॉन में पहुँच चुका हूँ। तो यही वही रेंडर का प्रॉब्लम है गाइस। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको सही और वीडियो देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।